इस्माइली नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मौलाना मोहम्मद फारूक निजामी साहब, आपने कोरोना वायरस से हिफाजती तदबीरों के हवाले से गवर्नमेंट ने जो मस्जिदों पर हाजिरी की पाबंदी लगा रखी है सवाल किया है, उस हवाले से अर्ज है कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अईदीकुम व याफू अन कसीर, यानी तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो तुम्हारे करतूत का नतीजा है। एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, ज़हरल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अईदी नास, लोगों के करतूतों की वजह से खुश्की और तरी में फसाद आम हो गया। इन आयाते मुबारका से रोजे रोशन की तरह वाजे है कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के फैल जाने से जो तबाहियों बर्बादी आम तौर से हो रही है वो इंसानों के आमाले बद का अंजाम है। दुनिया में जुल्म सितम, कत्लो गारतगरी और बेहयाई बदकारी आज जिस कदर आम है उसके तसव्वुर से अहले ईमान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसानों के इन करतूतों की सजा कोरोना की शक्ल में मुसल्लत हो गई है। हमें अल्लाह ताला की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और दुनियावी एतबार से उसकी हिफाजत के लिए जो जरूरी तदबीरें हैं उसे अपनाना चाहिए। हुकूमत हिंद ने कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए अवामी इज्तिमा पर पाबंदी लगा रखी है, हत्ता की मस्जिदों में जमा होकर नमाज पढ़ने पर भी सख्त पाबंदी लगा रखी है। इसी तनाजुर में आपने उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए हुक्म दिया है, फजजा कुमुल्लाह ताला खैरल जजा। शरीयत इस्लामिया के मुताबिक मुसलमानों के लिए पंज वक्ता नमाज बाजमात मस्जिद में जाकर अदा करना वाजिब है, मगर आज जब हुकूमत ने सख्त पाबंदी आयद कर रखी है, हत्ता की मस्जिद जाने पर इमाम मुअज्जिन और ट्रस्टी हजरात के खिलाफ FIR वगैरह तक दर्ज कर दी जा रही है, तो मुसलमान इस हालत में माजूर हैं। अब वो अपने घरों पर नमाज अदा करें, अगर वहां जमात कर सकते हो तो बाजमात, वरना तनहा तनहा पढ़ लें। ये हुक्म पंज वक्ता नमाजों के लिए है, मगर खासकर नमाज जुमा के लिए कुछ तफसील है। कुतुब फिक्र में नमाज जुमा के फर्ज होने की एक अहम शर्त यह भी है कि आदमी पर हाकिम वगैरह का खौफ ना हो। चुनाचे फिको फतावा की मशहूर मारूफ और मोतबर किताब रद्दुल मुहतार में है, वह अदम खौफिन ए मिनस सुल्तान और लिस, यानी बादशाह या चोर वगैरह की जानिब से कोई खौफ ना हो। तो जिसे नमाज जुमा के लिए मस्जिद जाने में हाकिम वक्त का खौफ हो उस पर जुमा फर्ज ही नहीं है। इस मसला के पेश नजर अर्ज है कि नमाज जुमा के लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से वाकई ऐसी सख्ती हो रही है जिसका आपने जिक्र फरमाया है, तो मस्जिद की आबादी की खातिर और जुमा कायम रखने के लिए इमाम के अलावा चंद हजरात नमाज जुमा अदा कर लें और बकिया हजरात अपने अपने घरों में नमाज जुहर पढ़ें। मगर इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर शहर में ऐसी हालत हो तो वहां के लोग नमाज जुमा के बाद ही जुहर पढ़ें और जमात से नहीं बल्कि तनहा तनहा पढ़ें, और अगर देहात में हो तो तनहा या जमात जो सूरत मैसर हो उस पर अमल करें। आखिर में दुआ करता हूं कि रब ताला अपने हबीब पाक अली तहियत व सना के तुफैल इस वबाई मर्ज से दुनिया की खुसूसन हमारे मुल्क अजीज हिंदुस्तान और मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और हम सबको अदल इंसाफ कायम करने और अच्छे आमाल बजा लाने की तौफीक बख्शे।